हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर क्लासेज। ये वीडियो सीरीज हमारी एग्रीकल्चर स्कीम्स की चल रही है, जिसके अंदर हम जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है और जो योजनाएं हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये स्कीम और योजनाएं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए और डबल एओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, ठीक है, हर बार। आज की इस वीडियो में हम दो स्कीमें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और दूसरी इनाम स्कीम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने दो स्कीमें पढ़ चुके हैं, जो कि पहली है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY और दूसरी सोयल हेल्थ कार्ड, ठीक है। ये दो स्कीमें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और इनाम पोर्टल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन स्कीम्स से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कॉर्नर में आई बटन है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि इनसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं और उन दोनों स्कीमों के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, ठीक है। लॉन्च विथ एन आउटले ऑफ रुपीज 50,000 करोड़ ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 2015-16 टू 2019-20, ठीक है। ये योजना जो है 50,000 करोड़ रुपए की है, 5 सालों के लिए लॉन्च की गई है ये 2015-16 से लेकर 2019-20 तक। क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा कि जो PMKSY है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, वो कब से कब तक के लिए लॉन्च की गई है या कब स्टार्ट की गई है या कब खत्म होगी, इस टाइप से, ठीक है। इसकी थीम क्या है, थीम, स्लोगन और टैगलाइन जो बोल दीजिए, ठीक है। इसकी स्कीम या सॉरी थीम पूछता है एग्जाम में कि PMKSY की थीम क्या है या स्लोगन क्या है, सभी एग्जाम में पूछता है, जो AFO और AEEO का जो एग्जाम होता है उसके अंतर्गत, ठीक है। तो इसकी थीम जो है हर खेत को पानी या फिर मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ठीक है। ये जो थीम है ये है इस योजना की, स्कीम की थीम या स्लोगन या टैगलाइन, ठीक है। इसके इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है, किस लिए लॉन्च की गई है ये भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्यों लॉन्च हुई है मोस्टली, किस लिए, कहाँ यूज आ रही है और क्या फायदा हो रहा है इससे। इरीगेशन एट द फील्ड लेवल, जो इरीगेशन है वो हर एक किसान को पहुंचाना फील्ड लेवल तक, जमीनी स्तर तक। एक्सपांड कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरीगेशन, जो कल्टिवेशन एरिया है उसके अंदर बढ़ावा देना उसको, जिसके अंदर पूर्णतः सिंचाई उपलब्ध हो। इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, जो फार्म में वाटर का यूज किया जाता है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ावा देना और जो पानी का व्यर्थ में जो व्यर्थ जाता है पानी उसको कम करना। इन्हेंस द अडोप्शन ऑफ इरीगेशन एंड अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और जो न्यू टेक्नोलॉजी है इरीगेशन की उसको एक्सेप्ट करने को बढ़ावा देना। रीयूजिंग ट्रीटमेंट म्यूनिसिपल बेस्ड वाटर फॉर पेरी अर्बन एग्रीकल्चर एंड अट्रैक्ट ग्रेटर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन प्रिसीजन इरीगेशन सिस्टम, जो शहर के किनारे पेरी अर्बन जो एरिया है, अर्धनगरीय जो बोलते हैं, जिसके अंदर वो जो गांव और शहर के बीच में जो हिस्सा आता है उसको, उसके अंतर्गत जो भी पानी जो शहर का गांव की तरफ जाता है उसको शुद्ध करके इरिगेशन के लिए उपयोग में लाने के लिए इस स्कीम में जोड़ दिया गया है, ठीक है। प्रोग्राम लेवलिंग, ये जो प्रोग्राम है वो दो लेवल पे एग्जीक्यूट होता है, पहला है डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान डिप बोलते हैं जिसको, DIP, दूसरा है स्टेट इरिगेशन प्लान SIP, ठीक है। द प्रोग्राम विल बी सुपरवाइज्ड एंड मॉनिटरेड एट द नेशनल लेवल बाय एन इंटर मिनिस्ट्रियल नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। जो ये जो योजना है वो किसके अंडर में सुपरवाइज्ड और मॉनिटरिंग में किया जा रहा है, नेशनल लेवल पर जो है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा, ठीक है, NSC के द्वारा, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विद यूनियन मिनिस्टर ऑफ ऑल कंसर्न मिनिस्ट्री, जो चेयरमैनशिप है इस योजना की वो किसके अंडर में है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, ठीक है।
PMKSY फंड वुड बी गिवन टू स्टेट एज 75% ग्रांट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रिमेनिंग 25% शेयर इज टू बी बोर्ने बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो पैसा है इरिगेशन के लिए वो किसानों को दो तरफ से मिल रहा है, किस तरह से, 75% तो गवर्नमेंट की तरफ से और 25% स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, इस योजना के तहत, ठीक है, जिससे क्या हो सभी किसानों तक पानी पहुंचे और प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ठीक है। ये स्कीम में इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो पूछता है एग्जाम में कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सब्सिडी या शेयर जो है किसान को मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कितना शेयर मिलता है किसान को, ठीक है। तो उसका रेशियो क्या है, 75 सेंट्रल गवर्नमेंट और 25% स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड हिली स्टेट एड स्टेट द फंडिंग पैटर्न वुड बी 1910, ठीक है। जो सब्सिडी या जो शेयर है इस इरिगेशन का, इस प्रोजेक्ट को लगाने में एक फार्मर का, उसमें 90% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10 स्टेट गवर्नमेंट देगी, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हिली स्टेट, ठीक है, जो ये मेघालय मिजोरम और बिहार वगैरह के जो एरिए हैं वहाँ पे 90% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और 10% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो स्कीम की जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने डिस्कस कर ली, PMKSY से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, टॉपिक थे, वो उस बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरी स्कीम। दूसरी स्कीम है हमारी आज की इनाम पोर्टल, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इनाम की फुल फॉर्म क्या है, ई नाम, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल, एक वेबसाइट है ये, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल इनाम इज टू कनेक्ट ई मंडीज इन सेवरल स्टेट्स, ठीक है। जो जितनी भी मंडियां हैं राज्य की, ठीक है, राज्यों की जितनी भी मंडियां हैं उनको एक वेबसाइट के अंतर्गत लाना, ताकि उस वेबसाइट पे आप देख सके कि कौन सी जगह पे कौन सी मंडी है और कौन सी जगह मंडी में जो कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका क्या भाव है, ठीक है। इसके अंदर 90 प्रोडक्ट एग्रो प्रोडक्ट को ऐड किया गया है, ठीक है। ये भी पोर्टल जो वेबसाइट है, ये जो जितनी भी मंडियां है वो 16 स्टेट व एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश की मंडियों को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। इनाम इज एन ऑनलाइन इंटर कनेक्टिविटी ऑफ ई मंडीज एम्ड एट यूजिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स टू एनेबल फार्मर्स टू गेट बेटर प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस, ठीक है। एक इंटरकनेक्टिविटी मंडियों को आपस में जोड़ने वाला एक पोर्टल है, एक स्थान है जहाँ पर किसान अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका सही दाम मिल सकता है उसे, ठीक है। इसका एम यही है ताकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग किसान को नहीं करनी पड़े और उसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बिक जाए, ठीक है। फंडेड बाई एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विच इज सेटअप थ्रू द स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ठीक है। इसका जो फंड है वो किसके द्वारा दिया गया है, एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, और सेटअप किसके द्वारा लगाया गया है, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC, ठीक है। फार्मर कैन शोकेस देयर प्रोड्यूस ऑनलाइन फ्रॉम देयर नियरेस्ट मार्केट एंड ट्रेडर्स कैन क्वाट प्राइस फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। जो फार्मर है वो अपने नज़दीकी मंडियों में अपने प्राइस का बेच सकता है ऑनलाइन, ठीक है, और जो उसको खरीदने वाले हैं वो उसका जो दाम देखकर अच्छे से अच्छे दाम में खरीद सकते हैं, ठीक है। इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज नंबर ऑफ ट्रेडर्स एंड ग्रेटर कंपटीशन। इट विल ऑल्सो इंश्योर ओपन प्राइस डिस्कवरी एंड बेटर रिटर्न्स टू फार्मर। जो प्राइस अगर एक खुला दिखेगा लोगों को तो उसमें कंपटीशन होगा कि जिसको रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा रेट में ले जाएगा, ठीक है। इट विल ऑल्सो इंश्योर ओपन प्राइस डिस्कवरी, ठीक है, एंड बेटर रिटर्न टू फार्मर्स, जिससे कि क्या होगा, अच्छा दाम मिलेगा किसान को उसकी उत्पादन का। टू इंटीग्रेट ए होलसेल मंडीज अक्रॉस द कंट्री विद द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द स्टेट गवर्नमेंट हैव टू अमेंड देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, ठीक है। इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी ने एक एक्ट लागू किया है कि सभी स्टेट के अंतर्गत जो है ई मंडीज
लगाई जाए। ठीक है, ये दो स्कीमें हैं। इन दो स्कीमों से जो क्वेश्चन जो कैसे पूछेगा कि ई नाम का फुल फॉर्म क्या है, या ई नाम किस लिए लॉन्च की गई है, इसका फंड किसने किया है, ठीक है, इस चीज़ से रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये दो स्कीमें हमने डिस्कस कर लिए। आगे आने वाले वीडियो में हम और स्कीमें डिस्कस करेंगे, और भी हमारे अदर वीडियो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको जॉब नोटिफिकेशन और जो भी टॉपिक है उनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स और सभी चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको मिलती रहे। धन्यवाद।